हेलो दोस्तों, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है जो इको टूरिज्म प्लेसेस है जैन कम्युनिटी का, जो बहुत दिन से स्ट्राइक चल रहा था कि उसे बंद कर दिया जाए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ये जैन कम्युनिटी के जो लोग हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिखर जी, श्री शिखर जी, सम्मेद और सम्मेद है क्या। दोस्तों, ये जैन कम्युनिटी यानी जैन जो रिलीजियस है, इनके कम्युनिटी के सबसे बड़ा एक पिलग्रिम प्लेस है। इसके हिस्ट्री पे चलता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे है और इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको झारखंड पता होगा, झारखंड में आपको जो पार्श्वनाथ हिल है वहां पे गिरहिट एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये हिल उसे शिखर जी, श्री शिखर जी, सम्मेद और सम्मेद नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पिलग्रिम प्लेस के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैन कम्युनिटी के जो तीर्थंकराज है 24 तीर्थंकराज में से 20 तीर्थंकराज यहाँ पे एनलाइटमेंट प्राप्त किए थे। दैट मीन्स उनको यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है जैन कम्युनिटी के दो ब्रांच है, दैट मीन्स दो सेक्ट है, जिसको बोलते हैं श्वेतंबरम एंड दिगंबरम। इसके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों कम्युनिटी ही इसको मानते हैं, तो आप सोच सकते हो इसमें कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट। दोस्तों, ये था हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, अगर हम बात करते हैं कि ये झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भेजा था कि इसको इको टूरिज्म प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने इस बात को मान के 2019 में ऑर्डर आया था एंड फेब 2022 में ये ऑर्डर को गवर्नमेंट ने पास कर दिया। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, किसी भी रिलीजियस के लिए एक इको टूरिज्म प्लेस डिक्लेयर करना एक प्राउड मोमेंट होगा। इसमें इतने बात पे होता तो बहुत अच्छा होता, बट दिक्कत ये हुआ, जैसे ही इको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर किया गया वहां पे टूरिस्ट की भीड़ और ज्यादा बन गई, जिसके वजह से वहां पे बहुत सारे इलीगल चीजें स्टार्ट होने लग गया, लाइक वहां पे अल्कोहल, ड्रग्स बेचने लग गए, वहां पे मीट बेचने लग गए एंड दोस्तों उसमें लाउड स्पीकर बजाने लग गए और पेट एनिमल को ले आए, ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया, कैंपेनिंग स्टार्ट हो गया, जिससे जो जैन कल्चर है उनके कल्चर को डिस्टर्ब होने लग गया, उनके कल्चर से आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ये चीजें, तो उनको ये पसंद नहीं आया, जिसके वजह से उन्होंने स्ट्राइक पे आ गए। जितने कम्युनिटीज थे उन्हें सारे स्ट्राइक पे आ गए कि हमें इसे बंद कर दी जाए और इको टूरिज्म जो प्लेस है इसको बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमारा जैसे था पहले ऐसे कर दीजिए। बहुत दिन से स्ट्राइक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया ना, बहुत सारी चीजें वहां पे बैन कर दिया, जिसके वजह से वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। दैट मींस आपको पहले ही बता चुका था, अल्कोहल, ड्रग्स कंप्लीटली बैन कर दिया गया है एंड दोस्तों वहां पे मीट सेलिंग भी बंद कर दिया गया है, कोई भी शॉप से यहाँ पे मीट सेलिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, वहां पे कोई कैंपिंग नहीं होगा, कोई ट्रैकिंग नहीं होगा, कोई पेट एनिमल्स नहीं ला सकते एंड दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात, वहां पे कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता या कोई म्यूजिक पार्टी वगैरह नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिसीजन लिया है ताकि किसी भी कम्युनिटी को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो एंड इस चीज को अभी थोड़ी दिन के लिए इन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया है, बाद में देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों, आप जरूर कमेंट करना गवर्नमेंट के ये स्टेप आपको कैसा लगा और सही था या गलत। थैंक यू, जय हिंद।